सत श्री अकाल दोस्तों, अपार रसोई में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे आटे वे आलू का चटपटा नाश्ता। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर चीज़ ली है और चीज़ को हमने ग्रेट कर लिया है। और थोड़ी सी अदरक, दो हरी मिर्च और तीन हमने लिए हैं यहाँ पर लौंग, और थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया। और यहाँ पे हमने चार आलू लिए हैं और आलू को हमने पहले से ही बॉईल किया हुआ है। और यहाँ पे हमने लिया है अजवाइन और जीरा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सेजवान चटनी भी ली है, एक छोटा पाउच है। फ्रेंड्स, पैन हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून ऑयल। फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन और एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच सूखा धनिया और आधा छोटा चम्मच हम डालेंगे इसमें नमक। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे आलू, और आलू को हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं आलू के। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्च और सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आलू को जो हमारे जितने भी हमारे इसमें मसाले डाले ना हमने, उनको हम सबको उन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया थोड़ा सा और इसे मिक्स करके हम इसे 2 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, 2 मिनट के लिए रखेंगे जिससे कि हमारे जो आलू है ना वो ठंडे हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक कटोरी, एक छोटा बाउल आटा लिया है हमने। और फ्रेंड्स, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और आधा छोटा चम्मच नमक। फ्रेंड्स, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और आटे को हम गूंद लेंगे। जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं ना, वैसे ही हमें आटा गूंद लेना है। फ्रेंड्स, आटे को हमें अच्छे से गूंद लेना है। फ्रेंड्स, आटा हमारा गूंद गया है और इसे हम 2 मिनट के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं और आटा जो है हमारा एकदम से सॉफ्ट और एकदम से नरम हो चुका है। फ्रेंड्स, हमें आटे की छोटी सी लोई लेनी है, छोटी सी लोई लेनी है ठीक है। फ्रेंड्स, लोई में हम सूखा आटा लगाएंगे और इसकी हम एक रोटी बना लेंगे। फ्रेंड्स, हम इसकी रोटी बना लेंगे, जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना वैसे ही बना लेनी है हमें। फ्रेंड्स, रोटी हमने बना ली है और अब हम इसे डालेंगे तवे पर। फ्रेंड्स, तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और जो हमने रोटी बनाई है वो हम तवे पर डाल देंगे। और रोटी को हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, थोड़ा सा कच्चा पक्का सेकना है। फ्रेंड्स, रोटी को हम टर्न करेंगे। फ्रेंड्स, रोटी को हम सेक लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, सिर्फ इतना ही पकाना है। रोटी को अच्छे से सेक लेंगे थोड़ा सा दोनों तरफ से। फ्रेंड्स, इसे उतार लेनी है अब। फ्रेंड्स, ऐसे ही हम दूसरी लोई बनाएंगे और उसकी भी हम रोटी बना लेंगे। रोटी बना ली है, रोटी को तवे पे डाल देंगे। फ्रेंड्स, रोटी हमें पतली बनानी है, ज़्यादा मोटी नहीं बनानी। फ्रेंड्स, हमें सारी रोटी ऐसे ही बना लेनी है।
फ्रेंड्स रोटी हमने बना ली है और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे सेजवान चटनी। रोटी के ऊपर लगानी है फ्रेंड्स, और अब हम इसके ऊपर आलू डालेंगे। अच्छे से डाल लेना है और फ्रेंड्स अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीज जो कि हमने पहले से ग्रेट करके रखी हुई है। और फ्रेंड्स रोटी को हम करेंगे फोल्ड, ऐसे हम रोटी को फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। और फ्रेंड्स इसके ऊपर हम लगाएंगे लौंग, इससे क्या होगा हमारी जो रोटी है ना वो खुलेगी नहीं और अच्छे से सिक जाएगी। और इसे हम रख देंगे यहाँ पे, ऐसे ही हमें दूसरी रोटी भी बना लेनी है फ्रेंड्स। ऐसे ही हमें दूसरी रोटी पर भी चटनी लगा लेनी है सेजवान। फ्रेंड्स अब हम इसके ऊपर रखेंगे आलू, अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीज थोड़ा सा। और फ्रेंड इसे हम फोल्ड कर देंगे अच्छे से, इसे फोल्ड कर लेना है। और ये जो लौंग है वो हमें रोटी पे लगा देना है, ऐसे लगाना है फ्रेंड्स, इससे क्या होगा हमारी रोटी जो है ना वो खुलेगी नहीं। फ्रेंड्स रोल हमने बना लिए हैं और अब हम इनको करेंगे फ्राई, तवे पे सेकेंगे इनको हम। फ्रेंड्स तवा जो है हमारा गर्म हो चुका है, हीट कर रहा है और अब हम इसके ऊपर डालेंगे ऑयल। अब हम इसके ऊपर डालेंगे रोटी और इसको हम अच्छे से सेक लेंगे। फ्रेंड्स रोल को हमें दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। थोड़ा सा ऑयल लगा लें। फ्रेंड्स रोल हमारा अच्छे से सिक गया है तो अब हम इसे उतार लेंगे। ऐसे ही हमें सारे रोल सेक लेने हैं। फ्रेंड्स सारे रोल हमने सेक लिए और देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं जितने कि देखने में हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं, आप जरूर ट्राई करना। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी करना और बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। बाय दोस्तों।